पंजाब दे विच सर्दी इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। इस समय पंजाब पूरे दे विच धुंद पई हुई है, धुंद दी लपेट दे विच नजर आ रहा पूरा पंजाब। ते तस्वीरां इस समय जलंधर दीआं दिखा रहे हैं जिथे कि इस समय धुंद पई हुई है, संघनी धुंद है, जिसके कारण विजिबिलिटी काफ़ी घट हुंदी हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। शीतलहर चल रही है जिसके नाल मौसम दे विच ठंडक होर महसूस की जा रही है। जलंधर के तापमान की गल की जाए तो जलंधर का तापमान इस समय 7 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जिसके कारण तेज़ हवावां भी ठंडिया हवावां भी चल रही ने, जिसके नाल ठंडक मौसम दे विच काफ़ी महसूस की जा रही है। तो आने वाले दिनों दे विच भी पंजाब वासियों नूं मौसम तो राहत मिलन वाली नज़र नहीं आ रही है, सर्दी तो राहत मिलन वाली नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग के वलों अलर्ट जारी कर दिता है कि आने वाले दिनों दे विच भी धुप निकलन की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने वालों अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों दे विच धुंद होर बढ़ सकती है, मीह ना पैन की संभावना दसी जा रही है, धुप ना निकलन की संभावना है। उसके चलते आने वाले दिनों दे विच ठंड होर बढ़ सकती है, शीतलहर होर बढ़ सकती है, धुंद होर संघनी हो सकती है। अलर्ट जिहड़े ने मौसम विभाग के वलों जारी किए हैं। तो अज 7 जिले दसे जा रहे जिथे कि मौसम विभाग के वलों 7 जिले मौसम खराब होने का खदशा जाहिर किया। उस जलंधर है, अमृतसर, तरन तारण, पटियाला है, बठिंडा है, 7 जिले ने जिन्हें 7 जिले मौसम विभाग के वलों रैड अलर्ट जारी कर दिता गया। हालांकि बाकी इलाकों के येलो अलर्ट है जिथे थोड़ी धुंद पैन के आसार है, पर जिहड़े ए जिले 7 जिले ने जिथे रैड अलर्ट जारी है उत्थे संघनी धुंद पैन के अलर्ट जिहड़े ने जारी कर दिए गए हैं। दसी कि लगातार तापमान दे विच गिरावट दर्ज की जा रही है, कई सालों के रिकॉर्ड टुटते हुए नज़र आ रहे हैं। उत्थे दसी कि लगातार तापमान डिगदा होया नज़र आ रहा है। तो मौसम विभाग के वलों अलर्ट भी जारी कर दिता है कि आने वाले दिनों दे विच ना तो मीह पैन वाला है तो ना ही धुप पैन वाली है। तो इसके चलते आने वाले दिनों दे विच शीतलहर होर बढ़ सकती है, होर धुंद संघनी हो सकती है, जिसके कारण होर ठंड जिहड़ी आ आने वाले दिनों दे विच बढ़ सकती है। उत्थे दसी कि हिमाचल दे विच कई थावां दे उपर बर्फबारी दे असार दसे जा रहे हैं। जेकर हिमाचल दे विच बर्फबारी पैंदी है तो पंजाब दे विच सुभाविक जी गल है, पंजाब दे विच ठंड होर वधेगी। आने वाले दिनों दे विच ठंड जिहड़ी है होर वधनी शुरू हो जाएगी। इस समय जे आपां पंजाब दी गल करिए तो कड़ाके दी ठंड पै रही है, हर एक व्यक्ति जिहड़ा अपने अपने पद्धर ते कुछ ना कुछ हीले करदा होया नज़र आ रहा है। किसी दे वल्लों सड़कां दे कंडे अग बाली जा रही है, किसी दे वल्लों रूम हीटर दा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उत्थे दसदी कि लगातार जिहड़ी है ठंड वधन दे नाल लोक परेशान हो रहे हैं, जिन्हां ने अपने कम्मां ते जाना है, मंजिल दे वल जाना है, उन्हां नूं काफ़ी दिक्कत आ रही है। उत्थे दसदी कि खबर है भी सामने आ रही है कि लगातार धुंद के कारण ट्रेनां कई लेट हो रही सीगियां। अमृतसर शताब्दी एक्सप्रैस काफ़ी दिनों तो 5-5 घंटे लेट हो रही थी, जिसके चलते अज अमृतसर शताब्दी एक्सप्रैस नूं रद्द भी कर दिता गया, 3 फ्लाइटां रद्द कर दित्तियां गईयां ने। तो काफ़ी असर जिहड़ा है सर्दी का आम जीवन के उपर वेखन नूं मिल रहा है, जिथे लोगों नूं ऑफिस जाने दे विच दिक्कत हो रही है, कि बच्चों स्कूल जाने दे विच दिक्कत हो रही है। तो उत्थे दसदी कि हुण ट्रेन भी जिहड़ी है सर्दी के कारण धुंद के कारण एक रद्द हुई है। हालांकि दसिया जा रहा है कि कल तो यह ट्रेन बिल्कुल अपने जिहड़े समय ते उत्ते चली गई, पर अज ट्रेन जिहड़ी है रद्द कर दित्ती गई है। तो 3 फ्लाइटां जिहड़ियां ने रद्द कर दित्तियां गईयां ने, क्योंकि संघनी धुंद है, मौसम खराब है, जिस दे चलदे 3 फ्लाइटां जिहड़ियां ने वह भी रद्द करनियां पईयां ने। इस संबंधी होर खबरां देखण लई देखदे रहो पंजाब बुलेटिन।